조감나는 마음. 하이도 나나도 가 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday 보통 기쁘나 봐 이쁘 가이 Happy birthday to you 에이 와봤어 기나 됐어 아 좋았어 तो गाइस फाइनली ये है वाइल्ड इन जंगल होम स्टे। तो एक्चुअली हम यहाँ पे रुके हुए थे तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरे दिमाग में आया कि बहुत सारे लोग हैं जो सोचते रहते कि हम डांडली जा रहे हैं तो डांडली में रुकने का क्या सीन है, कहाँ रुकेंगे, कैसे रुकेंगे। तो उनके लिए मैं बता दूँ कि ये जो वाइल्ड इन होम स्टे है काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा। बताऊँगा बहुत सारी चीज़ें, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो रहने की यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था है, डेट मीन्स कि आप देखेंगे तो रुकने के लिए बहुत सारे कॉटेजेस अवेलेबल हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप इसका एक लुक देखिए बाहर से। दिन में आपको इतना सुंदर दिख रहा होगा, रात में तो और ही सुंदर दिखता है जब लाइट्स यहाँ पे जलती हैं। इवन आप देख रहे होंगे हर पेड़ में लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, तो ये रात में जब लाइट्स जलती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। इवन आप देख रहे होंगे गार्डन जैसा ये पूरा रिजॉर्ट, और साइड साइड में आप अगर देखेंगे तो ये कॉटेजेस वगैरह बने हुए, कुछ टेंट हाउस भी बने हुए हैं और कुछ इस तरीके के लकड़ी के वैसे कुछ कॉटेजेस बने हुए, तो वो बहुत ज़्यादा कूल लगते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा अंदर। तो आप देख सकते हैं एक ये है जहाँ पे मैं रुका हुआ था, तो मैं आपको ले चलता हूँ। आपको देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है ये बाहर से। खूबसूरती का तो कुछ कहना है, नेचुरल ब्यूटी है, और साथ में कुछ इस तरीके का आपको अंदर व्यू देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। आप देखेंगे यहाँ पे 4 फेयरिंग का मिलता है, बट हम यहाँ पे 2 बंदे रुके हुए थे, ठीक है। हमने 2 यहाँ पे कॉटेज बुक करे हुए थे जो कि काफ़ी कूल थे। ये मिल जाता आपको अटैच वॉशरूम के साथ में, जो कि काफ़ी अच्छा एक कॉम्बिनेशन है कहीं पे भी रुकने के लिए, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। एक कितना सा रूम यहाँ पे आपको आपके यूज के लिए काफ़ी सारे सामान मिल जाते हैं, एक 1-2 नाइट स्टैंड करने के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा ऑप्शन आपको डांडली में मिलने वाला कहीं पर, तो ये काफ़ी कूल है, काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे ही अगर आप बाहर देखेंगे तो आपको बाहर बहुत सारे होम टेंट भी दिखेंगे, जो अगर आप देखेंगे तो सामने टेंट हाउस हैं। तो इन टेंट हाउस में एक्चुअली में क्या है ना कि यार अटैच वॉशरूम नहीं है, बाकी रूम है टेंट का बनाया है उन्होंने, बहुत ही सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। आप अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप चाहेंगे कि टेंट हाउस में ही रुकें, क्योंकि रूम एंड ऑल में तो आप हमेशा रुकते ही रुकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको टेंट हाउस भी ले सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा स्पेस चाहते हैं, थोड़ा प्राइवेसी चाहते हैं, तो आप फिर इस तरीके का कॉटेज भी ले सकते हैं, इसलिए आप तोड़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक टेंट हाउस जहाँ पे आयुष है अभी, तो दिखाते हैं टेंट हाउस का भी एक लुक आपको कि टेंट हाउस किस तरीके से दिखते हैं अंदर से। तो गाइस आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा सिलेक्शन करने में, सिलेक्ट करने में कि आपको क्या चाहिए। तो टेंट हाउस के अंदर चलते हैं, तो चलिए गाइस टेंट हाउस को खोलते हैं। तो ये है आयुष, टेंट हाउस के अंदर कैसा लग रहा है आयुष? बहुत अच्छा लग रहा है, एक यूनिक फीलिंग है यहाँ पे। हम चाहते थे कि ऐसे टेंट हाउस में आके हम आराम से अपना कोजी टाइम स्पेंड करें, बहुत अच्छा लग रहा है एक ऐसी जगह पे आके जहाँ इतनी शांति है, बैंगलोर की पूरी क्राउड से दूर एकदम अकेले पूरे रिसोर्ट में हम लोग हैं, बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छे से अपने हमारे स्पेंड किया हमारे पूरे एक दिन, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था डांडेली का यहाँ पे। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही आयुष की, बहुत ही पीस लग रहा है, क्योंकि
अभी यहाँ पे ऐसा आगे फील हो रहा है कि हमारे पास कोई काम नहीं है, इवन काम बहुत है बट यहाँ पे ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ काम है हमारे पास, क्योंकि इतना स्लो है सब कुछ यहाँ पे, शांति है इतनी, बैंगलोर जैसी सिटी में सब भाग रहे हैं अपने काम के पीछे। टेंट हाउस काफी अच्छा है, काफी यूनिक है, मतलब यहाँ पे आराम से चार बंदे रह सकते हैं इस टेंट हाउस में। आप देख सकते हैं चार्जिंग की व्यवस्था कर दी जाती है साइड में, ताकि चार लोग अपना यहाँ पे आराम से फोन चार्ज भी कर सकें प्रॉपर तरीके से। एक डिम लाइट भी दे देते हैं ताकि आप थोड़ी सी सुनहरी लाइट में अपना जीवन व्यतीत कर सके, रात व्यतीत कर सके यहाँ पे। तो काफी अच्छा मॉल है, काफी अच्छा टेंट हाउस है, मुझे काफी पसंद आया। जैसा एक ये टेंट हाउस है, ऐसा बगल में यहाँ पे बहुत सारे टेंट हाउस हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट करते हैं, सेपरेट वाला सिलेक्ट करते हैं या टेंट हाउस सिलेक्ट करते हैं। मेरी राय में तो आप अगर थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए तो सेपरेट को आप ले सकते हैं, बट टेंट हाउस आपको हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं, तो आपको इसको सिलेक्ट करना चाहिए, है ना, क्योंकि रोज रोज नहीं आते हैं। तो आई थिंक आप ही आप देख सकते हैं साइड में, जैसे ये कुछ विंडो जैसा भी है, तो यहाँ से होता ना कभी टेंट बंद हो गया भाई कैसे कैसे रहेंगे, तो ये आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये भी काफ़ी अच्छा एक फीचर दिया इन्होंने टेंट हाउस के अंदर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आयुष को भी बहुत पसंद आया। तो चलते हैं यहाँ से, तो अभी देखते हैं दूसरा टेंट हाउस, एक और टेंट हाउस है गाइस। तो एक टेंट हाउस और अपने पास, इसको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टेंट हाउस काफी बड़ा लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा यहाँ पे फैन एंड ऑल सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये देखिए गाइस, ये काफी प्यारा है, फैन चार्जिंग एंड ऑल सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। ये काफी सुंदर टेंट हाउस लगा मुझे, तो ये काफी अच्छा है। ओके तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से निकलने के लिए ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं गाइस, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा है यहाँ पे। अभी हम निकलेंगे कुछ यहाँ पे, थोड़ा सा घूमेंगे, देखेंगे और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देख लिए टेंट से लोग बाहर निकल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता होगा निकलते टाइम भी, ठीक है। तो मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं निकल सकूँ, कोई बात नहीं टेंट से बाहर। तो गाइस आपने देख लिया होगा पूरा ओवरव्यू यहाँ का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप करना चाहते हैं इन्जॉय डांडली में आकर, तो गाइस डेफिनेटली आपको यहाँ आना चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ डांडली के बारे में कि हाँ, लोकेशन वाइज बहुत अच्छी प्लेस है, नेचर फ्रेंडली है, आपको बहुत प्यारा लगने वाला है यहाँ पे, नेचुरल ब्यूटी है, शांति है। अगर आप एक भाग दौड़ बड़ी जिंदगी को जी रहे हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। तो अगर आप कैमरा वहाँ घुमाएंगे तो देख सकते हैं कि फोटोशूट भी आप करा सकते हैं कितने अच्छे तरीके से। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए, तो आप कैमरे को फिर से मेरी तरफ लाइए ताकि मैं कुछ और अपडेट दे सकूं। ओके तो बाकी तो मैंने आपको सब दिखाया ही है, लेकिन आप मेरे साथ थोड़ा सा चल सकते हैं, आइए। तो जैसा देख सकते हैं, एक चीज मैंने आपको बताई थी ना कि जब आप ऐसे यहाँ से चल रहे होते, जैसे मैं चल रहा हूँ, अगर आप देखेंगे यार ऊपर नारे लगे हुए, ऐसा नहीं एक जगह लगे हुए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सारी जगह आप देखेंगे। गेम्स भी, आपको गेम्स भी दिखाता हूँ। तो पहले आप देखिए नारियल, ठीक है, नारियल भी यहाँ पे, मतलब आप यार नॉर्थ से हैं और आपने कभी नारियल के पेड़ अगर ना देखे हो, देखे हैं बट अभी नारियल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नारियल भी है, पेड़ भी है, साथ नारियल भी है, तोड़ सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, तोड़ नहीं सकते, ठीक है सर। अब आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे गेम भी खेल जा सकते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, निशाना लगाया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, देखते हैं क्या होता है। अभी मुझे नहीं लगता है कि लगेगा, बट होप करते हैं, है ना, देखते हैं। वाओ, मुझे पता था, अब मेरा हमेशा जो भी वो रहता है परसेप्शन, वो हमें सही रहता है, एनालिसिस होती है वो सही होती है, तो वैसा ही आपने देखने को मिला होगा। अब आयुष आया है, मे भी कुछ हो सकता है, देखते हैं, लेट्स सी गाइस। रिसॉर्ट करेंगे, हो जाता है गलतियाँ, हो जाती है, सुधारी जाती, माफ की जा सकती है। आयुष फिर से ट्राई करेंगे एक बार, और आई होप कि इस बार निशाना सही से लगेगा, और हम तब तक ट्राई करेंगे जब तक निशाना लग नहीं जाता। ओके देखिएगा, अब देखिए पहला था मोटिवेशन, तो काफी अच्छा निशाना था, सेंटर पर नहीं लगा लेकिन कोशिश बहुत अच्छी थी। वाओ, चलो क्या बात करते हैं फूड की। तो फूड का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो काफी अच्छा रहा है, आपको थोड़ा सा होम जैसा टेस्ट यहाँ पे मिल जाता है।
और चाहे वो डिनर हो चाहे ब्रेकफास्ट हो, तो डिनर ही काफ़ी अच्छा था। ले चलते हैं आपको यहाँ पे, बात करते हैं यहाँ के लोगों से थोड़ा सा कि उनका क्या कहना है डिनर। हमने बात भी करी फूड एंड ऑल को, तो फूड काफ़ी अच्छा है, तो पूछते हैं एक बारी। है भाई हाँ। तो हम ये जानना चाहते हैं लाइक जैसे लोग यहाँ पे आते हैं ठीक है, तो एक चीज जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि फूड को लेके जब भी हम कहीं से निकलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि फूड अच्छा मिलना चाहिए मेनली। स्टे का तो हम मैनेज कर लेंगे है ना, क्योंकि फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज हमें यहाँ पे बहुत अच्छी मिली है, रियली फूड बहुत अच्छा था। हमें उसमें एक भी पॉइंट का वो नहीं है कि नहीं खाना अच्छा नहीं था, सच में टेस्ट बहुत अच्छा था खाने का, चाहे वो डिनर हो या अभी सुबह का ब्रेकफास्ट हो। तो आपने इस चीज को कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है? हमारा कुक बता सकते हैं आप, है ना? तो कुक अभी शायद यही है ना? नहीं वो कुक चला गया ना। ओके तो काफी अच्छे कुक हैं, प्लीज रिप्लेस मत करिएगा उनको। नहीं 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 है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी लोग आउटसाइड से आए, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहीं पे आइए, क्योंकि आपको यहाँ पे जो फूड की प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी स्टे का तो मैंने आपको दिखा दिया है, वो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चीज चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंगली आपको चीजें मैच करती तो डेफिनेटली यहाँ आ सकते हैं, अदरवाइज और कहीं भी आप देख सकते हैं। बट फूड को अगर आप कंसिडर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इवन एक चीज और एड करना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे जब घूम रहा था अराउंड 30-40 किलोमीटर के अराउंड में, तो मुझे जो रिजॉर्ट यहाँ पे देखने को मिले लाइक दिखे अच्छे हैं, बट लाइक कुछ चीजें हैं जो मुझे यहाँ पे ज्यादा पसंद आई हैं। मैंने वहां पे देखा विजिट करा तो मुझे इतना कुछ अच्छा लगा नहीं। तो आई होप अगर आप डांडली आ रहे हैं तो आप यहाँ जरूर आइए।